आज के कालखंड में हम विशेष तौर से क्या पढ़ेंगे, व्यक्तित्व निर्धारक तत्व अर्थात व्यक्ति का निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है आज का वो है व्यक्तित्व निर्धारक तत्व। सबसे पहली बात हमें समझ लें कि व्यक्तित्व निर्धारक से क्या आशा है, किसी एक बालक का व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाला कौन सा तत्व है। भाई एक बालक है, मान लो उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा या इस प्रकार का बनेगा, इस बात को तय करने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें सबसे पहला कारक आता है वंशानुक्रम। देखिए यहां विवरण भी दिया हुआ है, वंशानुक्रम का व्यक्तित्व के विकास पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में वंशानुक्रम व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता, वरन वंशानुक्रम के जैविकीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब देखिए यहां पर इन्हें बात कही है कि व्यक्तित्व के कुछ जैविकी प्रभाव है। अब जैविकी प्रभाव क्या है, जैविकी तत्व से आशय क्या है, जीवन पाया जाता है। जैविकी तत्व मतलब है जीवों में पाए जाने वाले तत्व हैं, जो जीव के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको जैविकी तत्व कहा जाता है। हाँ उसमें ग्रंथि आएगा, यानी वो हम बता रहे हैं आगे कि भाई जैविक तत्व तीन तरह के हैं। पहली बात तो नलिका विहीन ग्रंथियां, इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और दूसरा है शारीरिक रचना या बनावट, और तीसरा है स्नायुविक संरचना। ये तीन जो हैं ये जैविकीय तत्व कहलाते हैं, और इनके कारण ही एक व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है, या एक बालक का व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों की, जिसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इसके अंतर्गत देखिए सर, इसमें है पांच प्रकार की ग्रंथियां। पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिसके हिंदी में कहते हैं गल ग्रंथि, थायराइड गल ग्रंथि। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड्स अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि, और तीसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि, और चौथी है सेक्स ग्लैंड्स अर्थात जनन ग्रंथि, और पांचवी है पैंक्रियाज ग्लैंड्स अर्थात सर्वलिंगी ग्रंथि। तो इस तरह से कहना चाहिए पांच जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले जो रस हैं या हार्मोन्स हैं, इनकी वजह से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इनकी कम अधिक मात्रा होने पर एक बालक का व्यक्तित्व गड़बड़ा जाता है, प्रभावित होता है, ठीक। फिर दूसरी बात आती है भैया फिजिकल स्ट्रक्चर अर्थात शारीरिक बनावट। हमने पिछले पीरियड में बात करे थे कि भाई जो शारीरिक संरचना है एक व्यक्ति या बालक की, वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, अर्थात एक बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाला एक प्रमुख तत्व है उसकी शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट। एक व्यक्ति का आकार जैसा होगा उस तरीके से उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होगा, लोगों के बीच में उसकी पहचान बनेगी, लोग उसको मानेंगे। यदि मान लो हमने पहले बताया थे उसमें भी कि एक बौना व्यक्ति है, मान लो जिसकी पर्सनालिटी अर्थात उसका शारीरिक डेल-डोल ठीक ठाक नहीं है, तो समाज में या कहीं पर भी उसकी बात कम ही सुनी जाएगी, या उसमें ऐसा आकर्षण नहीं होगा कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो। किंतु एक डेल-डोल वाला व्यक्ति जो बड़ी अच्छी मतलब पर्सनालिटी, उसकी शारीरिक कद काठी अच्छी है, तो समाज में बहुत सारे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और वो जो भी बात बोलता है कहता है तो उसकी बातों को सुने भी जाती है। तो हम कह सकते हैं भाई जो शारीरिक रचना या शारीरिक बनावट जो है वो व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व है। अब अगला जो तीसरा आता है अपना, वो आता है स्नायुविक संरचना, जिसे कहते हैं नर्वस स्ट्रक्चर, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति का स्नायु संस्थान जितना अधिक विकसित होता है उसका व्यक्तित्व उतना ही विकसित होता है। देखिए जिस व्यक्ति में या बालक का स्नायुक संस्थान तंत्रिका तंत्र ज्यादा विकसित होगा तो वो मानसिक रूप से सबल होगा। वो व्यक्ति या वह जो बालक है कहना चाहिए मानसिक रूप से कैसा होगा, एकदम सबल होगा, पुष्ट होगा, और उसका व्यवहार भी जो है कि समाज में निखर कर सामने आएगा। तो सीधी सी बात है कि भाई ये स्नायु तंत्र जो है इसका संबंध सीधे से मस्तिष्क से होता है, है ना, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के दोनों मिलकर के मतलब इससे पूरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। और जिसका ये पुष्ट है मान लो जिस बालक का,
तो निश्चित तौर से उसका व्यक्तित्व भी निखरा उतना ही होगा। अच्छा होगा, और यदि मतलब ये अविकसित है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास उतना कम, उसका व्यक्तित्व विकास कमजोर होगा। व्यक्ति की समस्त क्रियाएं जो हैं वो स्नायु संस्थान से संबंधित होती हैं। अब समस्त क्रियाएं कैसे भाई, हमने पहले बोल दिए कि एक बालक का मान लिया जाए मस्तिष्क विकसित है, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, तो उसका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, सब कुशल रहेगा। तो व्यवहार के ऊपर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निर्भर करता है। यदि मान लो किसी व्यक्ति का व्यवहार ही गड़बड़ है, कुशल नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व तो भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। जी तो स्थिति से संबंध इसका कैसे है, मस्तिष्क से है। मस्तिष्क। फिर बात आती जो दूसरा निर्धारक तत्व है, ये तो हमने कह दिया वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम के अंतर्गत तीन बातें सम्मिलित थी, कौन कौन सी, नलिका विहीन ग्रंथियां, दूसरा हमने बताया था आपको शारीरिक बनावट या संरचना, और तीसरा हमने क्या बताया था आपको, स्नायुक संस्थान संस्थान है ना, नर्वस सिस्टम। तो सिस्टम। वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन सी बात सम्मिलित है, नंबर एक नलिका विहीन नलिका विहीन ग्रंथि ग्रंथियां है ना, और दूसरा शारीरिक शारीरिक बनावट, और तीसरा स्नायु स्नायुक संस्थान। ये तीन चीजें अपने को याद रखना है। ये काय के अंतर्गत आता है, ये अनुवांशिकी के अंतर्गत एक व्यक्ति के व्यक्तित्व तो निर्धारक तत्व तो है। दूसरा आता है वातावरण, तो वातावरण के बारे में भी हमने पिछले पीरियड में काफी चर्चा करे हैं। देखिए इसके अंदर तो भौतिक वातावरण, जो जहां पर व्यक्ति या बालक रहता है उसके आसपास का जो वातावरण है वो निश्चित तौर से एक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, और उससे क्या उसका व्यक्तित्व तो प्रभावित होता है या निर्धारित होता है। दूसरा है सामाजिक वातावरण, जिस परिवेश में एक व्यक्ति या बालक रह रहा है वहां का समाज कैसा है, वहां की रीति रिवाज परंपराएं परिपाटी किस प्रकार की, उस आधार पर उस बालक का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। अगली बात है बालक का परिवार, और देखो ये जो परिवार है या जी समुदाय जो है ये सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित है ना, या फिर हम विद्यालय कहें और सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, तो ये सब सारी बातें काय के अंतर्गत आएंगी, सामाजिक सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया जो कि व्यक्तित्व निर्धारक तत्व के अंतर्गत आता है। ये दो जो तत्व हैं विशेष तौर से आपको याद रखना है, व्यक्तित्व निर्धारक के सबसे पहला आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी के अंतर्गत जैविकी तत्व, और जैविकी के अंतर्गत ये नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक बनावट और स्नायु संस्थान, और फिर दूसरा आता है वातावरणी, तो वातावरणी के अंतर्गत सबसे पहला क्या आता है, भौतिक वातावरण, दूसरा आता है सामाजिक वातावरण, और सामाजिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, परिवार विद्यालय संस्कृत। ठीक है, अब परिवार किस प्रकार एक बालक के व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान देता है वो अच्छी तरह आप भली बातें समझते हैं, है ना। इसी तरह विद्यालय, इस तरह जो संस्कृति है या हमारे जो संस्कार हैं बच्चे के, वो किस प्रकार व्यक्तित्व निर्धारण पर प्रभाव डालता है आपको पता है। तो साथियों ये थी जानकारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत तो व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों की। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपके किसी भी शिक्षक चयन परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल RF कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद।